वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करूंगा विटामिन D3, एन कोल्ड एंड पेडिवेंट LS एंड बेबी डॉन के बारे में, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है, किड्स के लिए। तो आइए इन जानते हैं आज ड्रॉप्स के बारे में, जो 0 से लेकर 1 साल तक के बच्चों के काम आने वाली दवाई है और आप ये घर पे रख सकते हैं। डॉक्टर की राय लेके आप ये घर पे रख सकते हैं, छोटे बच्चों को दे सकते हैं। कभी उल्टी हो या बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, तो आप उन कंडीशन में आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को यदि आप नए आए हो मेरे चैनल पे, ताकि नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आपके सामने आती रहे और मेडिसिन की संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेबी डॉन के बारे में, जो कि डोपरीडन ओरल ड्रॉप है एंड पेट केयर कंपनी द्वारा ये बनाई गई है। तो जानते हैं बेबी डॉन ड्रॉप के बारे में। यदि किसी पेशेंट को, छोटे बच्चे को उल्टी वगैरह आ रही हो, पेट वगैरह दर्द हो रहा हो, उल्टी आ रही हो उस वजह से, तो आप उस कंडीशन में दे सकते हैं। तो ये बेबी डॉन उल्टी के लिए बनाई गई है ड्रॉप। और डोज की बात करें, दिन में आप 2 से 3 बार दे सकते हैं। एंड बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो डोपरीडोन इसके अंदर डाला हुआ है 10 mg। और प्राइस की बात कर लेते हैं अपने, ये 54 रुपये के लगभग आपको मेडिकल से मिल जाएगी। 10 ml का ड्रॉप है, डोपरीडोन के नाम से भी आपको मिल जाएगा, बेबी डॉन एंड काफ़ी कुछ ब्रांड इसके नाम है। तो उसके बाद आ जाते हैं पेडिवेंट LS ड्रॉप, जो कि अम्ब्रोलैक्स HCI एंड गोपनिंस एंड लिवोसल्बुटामोल ड्रॉप है। एंड ये भी पेड केयर द्वारा बनाई गई है। 15 ml में आपको मेडिकल से आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो इसके अंदर डाला हुआ है लिवोसल्बुटामोल 0.25 mg डाला हुआ है एंड हाइड्रोक्लोराइड IP डाला हुआ है 7.5 mg एंड गोपनिंस डाला हुआ है 12.5 mg। यदि किसी पेशेंट को, छोटे बच्चे को खांसी हो या छाती में बलगम वगैरह आ रही है या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप उस कंडीशन में ये दे सकते हैं। एंड इसकी डोज की बात करें, तो आप ये दिन 2 से 3 बार दे सकते हैं। वेट अकाउंट का वज़न उस हिसाब से आप वो डॉक्टर पर निर्भर करते देते हैं वो, तो आप डॉक्टर की राय लेके ये ले सकते हैं और घर पे रख सकते हैं LS ड्रॉप। एंड उसके बाद आ जाते हैं ये एन कोल्ड प्लस है, जो कि पैरासीटामोल वगैरह इसके अंदर डाला हुआ है। यदि किसी छोटे बच्चे को जुकाम हो या नाक से पानी वगैरह आ रहा हो या उसको फीवर वगैरह हो, तो आप उस कंडीशन में ये दे सकते हैं। 15 ml में इसकी पैकिंग है। एंड प्राइस की बात करें, तो लगभग आपको मेडिकल से आसानी से ये 74 लगभग 74 रुपये का मेडिकल से आसानी से मिल जाएगा। एन कोल्ड प्लस के नाम से काफ़ी उच्च ब्रांड नाम है इसके। एंड फेनिफ्लैन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर डाला हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं ये XT D3, जो विटामिन D3 ड्रॉप है। यदि किसी बच्चे को कोई बुखार वगैरह, खांसी वगैरह या कुछ भी लूज मोशन वगैरह हो गया, उस वजह से वीकनेस आ गई है बच्चे को, एंड या खाना दूध वगैरह नहीं पचा रहा हो बच्चा, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इन मेडिसिन के साथ ये विटामिन D3 दिया जाता है। एंड इसकी प्राइस की बात करें, तो लगभग 65 रुपये की, 65 रुपये की 15 ml में आपको मेडिकल से मिल जाएगी विटामिन D3 ड्रॉप। एंड कंपोजिशन की बात करें, विटामिन D3 इसके अंदर डाला हुआ है, 800 IU डाला हुआ है, तो आप ये घर पे रख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आपके सामने आती रहे और मेडिसिन की संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।